मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, प्रदेश की जनता को बड़ी बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस बीच राज्य में विधानसभा उपचुनाव की तैयारी भी चल रही है। जालंधर सीट पर उपचुनाव जीतने के बाद अब आम आदमी पार्टी का फोकस गीदड़बाहा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर है। इसी सिलसिले में खुद सीएम भगवंत मान गीदड़बाहा पहुंचे, वहां की जनता से मिले। पार्टी ने नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी भी बांट दी है। चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने इलाकों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की हैं। इस क्षेत्र पर पार्टी ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है जो लोगों से सीधे जुड़ा हुआ हो। बता दें कि गीदड़बाहा सीट से कांग्रेस के सीनियर नेता व पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह वडिंग पहले विधायक थे, लेकिन उनके लुधियाना से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अब यहाँ उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक चुनाव का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, ऐसे में इस सीट पर आपका मुकाबला अमरिंदर सिंह वडिंग की पत्नी अमृता वडिंग से होने के कयास लगाए जा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल इस सीट पर मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लो को मैदान में उतार सकता है, तो बीजेपी भी चुनाव की रणनीति बना रही है। ऐसे में इस सीट पर कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है।